हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं सेकंड लॉगरिथम रेशियो टेस्ट, या फिर जिसे हम बोलते हैं एन अल्टरनेटिव टू बर्ट्रेंड टेस्ट। तो जब आपका लॉगरिथम रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो आपकी चॉइस है, आप सेकंड लॉगरिथम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर बर्ट्रेंड टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में सेकंड लॉगरिथम रेशियो टेस्ट के बारे में सीखेंगे, और जो वीडियोज़ वो मैंने बना रखी हैं बर्ट्रेंड टेस्ट के बारे में, और सारे बाकी जो रिमेनिंग टेस्ट है उसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। तो सेकंड लॉगरिथम रेशियो टेस्ट क्या कहती है, तो मैंने अभी पोल ही दिया है। ये टेस्ट कब अप्लाई होती है, ये टेस्ट अप्लाई होती है जब आपका लॉगरिथम रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। तो सेकंड लॉगरिथम रेशियो टेस्ट क्या कहती है, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सीरीज है यू एन और आपका लिमिट एन टेस्ट इनफिनिटी एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाई में लॉग एन की अगर वैल्यू एल दे और एल की वैल्यू एक से बड़ी हो तो सीरीज होगी कन्वर्जेंट, एल की वैल्यू एक से छोटी हो तो होगी डाइवर्जेंट, और एल की वैल्यू अगर वन आ जाए तो ये डिसाइड नहीं कर पाता है ये टेस्ट कि यहाँ पर आपका सीरीज पॉजिटिव सीरीज आपका डाइवर्जेंट होगा या फिर कन्वर्जेंट होगा। इस चीज़ को बेटर वे में समझने के लिए हम एग्जाम्पल करेंगे, और वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से होगा। रेशियो टेस्ट इसे अप्लाई कैसे करते हैं, इसके एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, और ज़्यादा ज़रूरी एक क्वेश्चन ही होते हैं। तो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, और क्वेश्चन खुद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज वन की पावर बी प्लस वन अपॉन टू की पावर बी वन मल्टीप्लाई थ्री अपॉन टू फोर की पावर फी, ऐसी सीरीज चल रही है। जरा ध्यान से देखिए, अगर ये जो गिवन सीरीज है ना, इस गिवन सीरीज में अगर फर्स्ट टर्म को हम ओमिट कर दें, यानी कि नेगलेक्ट कर दें या हटा दें, तो हमारे पास ये जो पहला टर्म है इस सीरीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ये फर्स्ट टर्म हटा दें तो सीरीज के नेचर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि बाकी जो रिमेनिंग सीरीज है वो उसी रूप में वैरी कर रही है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो टर्म है उसको हटा देंगे, तो रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ हमने ऐसे के ऐसे लिख दिए। अब हमारा टारगेट क्या होता है, हमें चाहिए होता है यू एन और यू एन प्लस वन। कोई भी सीरीज आप जब आप स्टार्ट करें आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी अलम्बर्ट के बाद हम लॉगरिथम में आते हैं, और लॉगरिथम भी फेल हो जाएगा तब हम आएंगे सेकेंड लॉगरिथम, या आप सेकेंड लॉगरिथम लगा सकते हैं या फिर बर्ट्रेंड टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे रेशियो टेस्ट, उसके लिए हमें चाहिए होता है यू एन और यू एन प्लस वन। यू एन यानी कि ये सीरीज का एन एफ टर्म क्या होगा, देखिए यहाँ वन है, यहाँ वन थ्री है, यहाँ वन थ्री फाइव है, ऐसे ऊपर सीरीज वैरी कर रहा है, यहाँ टू था फिर टू फोर है, टू फोर सिक्स, ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, और सबके पावर में पी फिक्स्ड है, यानी कि यू क्या है, देखिए वन थ्री फाइव ऐसे ही, अगर यहाँ पाँच है तो यहाँ तीन तीन है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ टू है तो यहाँ वन है, तो नीचे अगर टू एन है तो ऊपर यहाँ वाला टर्म क्या होगा, टू एन माइनस वन। देखिए यहाँ चार है तो तीन है ना, तो यहाँ अगर टू एन है तो ऊपर वाला टर्म टू एन माइनस वन होगा। नीचे टू एन क्यों लिया है, क्योंकि नीचे टू का पहाड़ है, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, ऐसे बढ़ रहे हैं ना, इसी वजह से यहाँ टू एन लिया है। तो ये यू एन मिल गया है पावर ऊपर में भी। अब हमें चाहिए होता है यू एन प्लस वन, इस टर्म को भी एन रहने दीजिए। तो हमें क्या करना होता है, एन के प्लेस पर हमें रखना होता है एन प्लस वन। तो देखिए मैंने रख दिया है एन की जगह पर एन प्लस वन, और यहाँ पर भी एन की जगह पर एन प्लस वन मैंने रख दिया है। और जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ वाला टर्म आ जाएगा टू एन प्लस वन, और इधर आ जाएगा नीचे टू एन प्लस टू। जैसे देखिए यहाँ पर सीरीज पाँच से पहले तीन है, यानी कि दो कम हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पर आप टू एन प्लस वन है तो टू एन प्लस वन से जब आप दो कम करेंगे तो उससे पहला वाला टर्म आपका मिलेगा टू एन माइनस वन। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, आप उसे नहीं छोड़ सकते ऐसे। और टू एन प्लस टू से टू कम करेंगे तो उससे पहले वाला टर्म क्या होगा, टू एन। ये यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आपको यू एन अपॉन यू एन प्लस वन करना है। जब आप करेंगे ना यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, और इतने वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, तो सॉरी यहाँ से ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा आपका क्या, टू एन प्लस टू अपॉन टू एन प्लस वन की पावर बी। बाकी सारे टर्म दोनों में कॉमन है, उससे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ से टू दोनों में है और n कॉमन निकालेंगे, तो 2n कॉमन आएगा, साथ में पावर में जो p है वो भी कॉमन आएगा साथ में, तो अंदर बचेगा 1 और यहाँ पर n था नहीं तो अपॉन में आ जाएगा n। सिमिलरली नीचे से भी हम 2n बाहर निकालेंगे, 2n की पावर p बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2n की पावर p। फिर क्या करते हैं, रेशियो टेस्ट में लिमिट ले लेते हैं n टेस्ट टू इन्फिनिटी, तो n की जगह इन्फिनिटी, इससे तो ये कैंसिल आउट, तो 1/∞ 0 होता है और 1+0 की पावर भी 1 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1। तो देखिए 1 पे हमने जानते हैं रेशियो क्या होता है, टेस्ट फेल होता है, तो यहाँ से हमारा जो रेशियो टेस्ट है डी नंबर रेशियो टेस्ट वो फेल हो गया। तो अब हमें क्या अप्लाई करना होता है, अब हम लेते हैं लॉगरिथम टेस्ट। लॉगरिथम टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा un/un+1 है उसमें लॉग ले लेते हैं, ठीक है लॉग ले लीजिए, तो un/un+1 आपका ये था, ये लॉग अभी रहने दीजिए, ये आपका un/un+1 आया था इतना, जब हमने पीछे सॉल्व किया था ना, पीछे के आप यही देख लीजिए, ये आपका un/un+1 है ये वाला टर्म। तो देखिए लॉग जब लेंगे तो ये पावर कहाँ जाएगी, सामने लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम और लॉग एम अपॉन एन लग जाएगा ना, लॉग एम बट एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक। और आप ये फॉर्मूला जानते हैं, लॉग 1+x क्या होता है, एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स अपॉन 5/5 ऐसे चलता रहता है, आपको पता है। तो उसी फॉर्मूले से हम इस वाले को एक्सपेंड कर देंगे और इस वाले टर्म को भी एक्सपेंड कर देंगे, ये देखिए एक्स की जगह पर यहाँ पर 1/n है और यहाँ पर एक्स की जगह पर 1/2n है, तो एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करेंगे तो एन और एन वाले टर्म एक साथ आ जाएंगे, एन स्क्वायर वाले टर्म और एन स्क्वायर वाले टर्म एक साथ आ जाएंगे, तो बस दो टर्म लिख देंगे आपको इनफ है, बाकी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पी ये एन आ गया, ये टर्म आपका सॉल्व करेंगे तो बाकी तो बहुत सारे आएंगे, तो बस 2-3 टर्म ही सॉल्व कर लीजिए, इतना इनफ है। फिर क्या करना होता है, फिर आपको करनी होती है एन से मल्टीप्लाई, है ना, तो लॉग un/un+1 निकाल लिया था, अब नेक्स्ट टर्म में कर देना है एन से मल्टीप्लाई, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए एन से मल्टीप्लाई कर दिए, एन से जब करेंगे अंदर एन से एन कैंसिल 1/2, एन स्क्वायर से एन आ जाएगा, एन क्यूब से एन स्क्वायर आ जाएगा, और जब एन के प्लेस पर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, ये वाले जो जितने भी टर्म है सामने, बिकॉज 3/∞ 0, 7/∞ 0, बाकी जितने भी टर्म है यहाँ के सारे क्या हो जाएंगे 0, सिर्फ आपका यहाँ से बचेगा पी बाई 2। तो यहाँ 1 तो नहीं आ रहा है, यानी कि हम कन्वर्जन और डाइवर्जेंस पर रिस्ट्रिक्शन लगाकर नहीं देख सकते हैं। तो पी क्या है हमें पता ही नहीं है, पी क्या है तो आपको पता है पी बाई 2, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट तब हो सकती है जब पी बाई 2 की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, यानी पी की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी तब आपका सीरीज कन्वर्जेंट होगा, और डाइवर्जेंस तब होगी जब पी बट्टे 2 की वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी पी की जो वैल्यू अगर 2 से छोटी होती है तो उस कंडीशन में भी आपका सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। और फेल्स कब होगी, फेल तब होगी जब पी अपॉन 2 की वैल्यू क्या जाए 1, यानी पी इक्वल्स टू 2 पर, पी इक्वल्स टू 2 पर, बिकॉज देखिए यहाँ पर 2/2 करेंगे ना 1 आ जाएगा, आपको पता है 1 पे टेस्ट क्या होता है, फेल होता है, तो पी बराबर 2 पे टेस्ट फेल हो रहा है। हालांकि लेस देन इक्वल पर तो बात हो गई डाइवर्जन और कन्वर्जन की, लेकिन जब एग्जैक्टली 2 होगा तो फेल बता रहा है, और जब फेल है अब यहाँ से हमें मेन चीज़ अप्लाई करनी है सेकंड रेशियो टेस्ट। अब इसमें बर्टैंड भी लगा सकते हैं हम, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली सेकंड ही लगाएंगे। तो देखिए सेकंड में क्या होता है, एन लॉग un/un+1 ये चीज़ हमारे पास थी, ठीक। तो देखिए हमारे पास जो स्टेप्स हमें चाहिए होते हैं, एन लॉग un/un+1 चाहिए होता है, यहाँ पी, तो पी की प्लेस पे हमें क्या रखना है 2, देखिए तो यहाँ पर हमने रख दिया पी की प्लेस पे 2, और 2 से जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 से जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 1 2, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 3/4 एन हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो देखिए अगला स्टेप में आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये दो ऐसे ही है, ये आपको मिलेगा, उसके बाद आपको -1 करना होता है, तो ये आपका एन लॉग un/un+1 था, -1 कर दिया तो +1 से -1 कैंसिल आउट, आपका रिमेनिंग टर्म ये बच जाएगा। उसके बाद सेकेंड लॉगरिथम रेशियो टेस्ट कहती है,
इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपको लॉग एन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो लॉग एन से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग एन अपॉन एन आ जाएगा और समथिंग में जो आपकी ये सीरीज़ है वो पूरी की पूरी। और हम जब आप ले लेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन अपॉन एम, इसके साथ भी लिमिट आएगी और इसके साथ भी लिमिट आ जाएगी, और लॉग एन अपॉन एन एन टेंस टू इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू होती है ज़ीरो, ज़ीरो इंटू समथिंग, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी आ रही हो तो वो हो जाएगी ज़ीरो। और ज़ीरो को एक से छोटा माना जाता है न्यूमेरिकली एजम्पशन के रूप में, और एक से छोटा है यानी कि इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस है, यानी कि जब p बराबर टू पे सीरीज क्या आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है। तो जो पूरा कंक्लूजन निकल गया हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट तभी होगी जब आपकी p की वैल्यू दो से बड़ी हो, और डाइवर्जेंट तभी होगी जब दो या दो से छोटी हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक शेयर करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो देखने का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत।